24 जून 1993, 14 साल की जेनिफर अर्टमैन और उसकी दोस्त 16 साल की एलिजाबेथ पेन्या अपने दोस्त के घर की पूल पार्टी से वापस लौटकर अपने घर की ओर जा रहे थे। रात काफ़ी होने जा रही थी, इसलिए दोनों सहेलियों ने मेन रास्ता छोड़ के टीसी जेस्टर पार्क से शॉर्टकट लेने का फैसला लिया। इन दोनों मासूम परियों को शायद पता ही नहीं था कि कुछ वक्त बचाने के लिया गया शॉर्टकट उनके लिए दर्दनाक और जानलेवा साबित होने वाला था। उसी रात उसी पार्क में ब्लैक एंड व्हाइट नाम के गुंडों की गैंग के 5 मेंबर्स पीटर कैंटू, होजे मेडेलिन, वेनेंसियो मेडेलिन, एफ्रेन पेरेज और डेरेक शॉन ओब्रायन अपनी गैंग में राहुल विलारियल को शामिल करने के लिए इकट्ठा हुए थे। गैंग के कानून के मुताबिक राहुल को गैंग में शामिल होने के लिए पहले खूब ज़्यादा शराब पीनी होती थी, जिसके बाद गैंग के एक एक मेंबर के हाथों तब तक पीटना होता था जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। ग्रुप के पहले 3 लोगों से पीटने के बाद ही राहुल बेहोश हो गया। पीटर कैंटू, जो कि इस छोटे से गैंग का लीडर था, वो राहुल को मार सके उससे पहले ही। तभी इन गुंडों की नज़र पार्क के दरवाजे से उनकी ओर आ रही एलिजाबेथ और जेनिफर पर पड़ी। दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर पीटर ने अपनी गैंग को दोनों में से लड़के को अपने पास उठा लाने का ऑर्डर दिया। अब एलिजाबेथ ने ऐसी हुडी पहनी हुई थी कि दूर से देखने से वो लड़के की तरह ही दिखाई देती थी। पीटर का हुक्म सुनते ही गैंग के सारे लड़के भागते हुए गए और एलिजाबेथ को उठा लाए। 14 साल की जेनिफर भागने में कामयाब रही और वो पास की झाड़ियों में छुप गई। एलिजाबेथ को घसीटते हुए ये लड़के उसे पीटर के पास लेके आ गए। पहले गैंग के सारे लड़के मिलकर एलिजाबेथ को पीटने लगे। एलिजाबेथ की चीखने की आवाज़ सुनकर जेनिफर, जो कि अभी तक झाड़ियों में छुपी हुई थी, वो एलिजाबेथ को बचाने के इरादे से बाहर आ गई और इसी पॉइंट पर जेनिफर भी गुंडों के हाथ लग गई। अब ये लोग दोनों लड़कियों को घसीटते हुए झाड़ियों में ले गए और 6 लड़के मिलकर 2 लड़कियों पर बलात्कार करने लगे। पुलिस बयान के मुताबिक इन 6 लड़कों ने मिलकर जेनिफर और एलिजाबेथ के साथ 1 घंटे तक लगातार रेप किया। इनके साथ ज़बरदस्ती ओरल, एनल और वजाइनल सेक्स किया। इनके बयान के मुताबिक इस पूरे 1 घंटे के दौरान कभी भी एक लड़की पर 2 से कम लड़के अत्याचार नहीं कर रहे थे। इस दौरान 14 साल का वेनेंसियो मेडेलिन इधर से उधर भाग रहा था और अपने भाई और बाकी के गैंग मेंबर्स को इन लड़कियों को छोड़ देने के लिए कहता रहा, पर गैंग लीडर पीटर ने उसे भी अपने साथ जुड़ने के लिए उकसाया, जिसके बाद वो भी इस हैवानियत भरे खेल में शामिल हो गया। इस पूरे अत्याचार के दौरान 16 साल की एलिजाबेथ ने अपने आप को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की। उसने अपने बलात्कारियों को अपने पैरों से लात मारी, एक को काटने की कोशिश तक की, पर 6 लड़कों के सामने 2 छोटी सी लड़कियां कहाँ टिक पाती। इन अत्याचार के दौरान जब दोनों लड़कियां अपनी हिम्मत हार चुकी थी, तब दोनों एक दूसरे के सामने आंसू भरी नज़रों से देखते हुए जुल्म सहते रहे। 1 घंटे तक इन दोनों मासूम परियों पर अपनी हवस और भड़ास निकालने के बाद जब ये लोग थक गए, तब तक शायद गैंग के लीडर पीटर कैंटू का नशा उतर चुका था। उसे समझ में आ गया था कि अगर इन लड़कियों को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये लड़कियां उनके लिए मुसीबत का कारण बन सकती हैं। पीटर ने अपने गैंग के साथियों को इन लड़कियों को मार डालने का हुक्म दिया। पहले तो ये लोग इन दोनों लड़कियों को घसीटते हुए थोड़े और अंदर झाड़ियों में ले गए। इन लोगों ने 14 साल के वेनेंसियो मेडेलिन को ध्यान रखने के लिए रोका। झाड़ियों के अंदर जाकर डेरेक ओब्रायन ने अपनी रेड नायलॉन बेल्ट निकाली और विलारियल के साथ मिलकर जेनिफर के गले में पट्टे की तरह बांध के दोनों अलग अलग साइड से खींचने लगे। दोनों ने इतना जोर लगाया कि ओब्रायन का पट्टा टूट गया, पर जेनिफर अभी तक जिंदा थी। फिर इन्होंने जेनिफर के जूतों से उसकी शू लेस निकाली और उसी से जेनिफर का गला घोंटने लगे। एलिजाबेथ जेनिफर का ये अंजाम अपनी आंखों से देख रही थी।
जब एलिजाबेथ ने जेनिफर का ये अंजाम होते हुए देखा तो उसने वहाँ से इसी हालत में भी भागने की कोशिश की पर पकड़ी गई। पीटर कैंटो एलिजाबेथ की इस हरकत से काफ़ी गुस्सा हो गया और अपनी लोहे की नोक वाले जूतों से एलिजाबेथ के मुंह पर मारने लगा। इस वजह से एलिजाबेथ के आगे के 3 दांत और कुछ पसलियाँ टूट गई। फिर पीटर और उसके 2 साथियों ने मिलकर उसी शूलेस से एलिजाबेथ को भी मार दिया। दोनों लड़कियों को मार के भी इन राक्षसों को जब तसल्ली नहीं हुई तब इन लोगों ने इन दोनों लड़कियों की लाश को अपने पैरों से रौंदा। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि दोनों लड़कियां अब मर चुकी हैं तो ये लोग उनके पास से उनकी कुछ ज्वेलरी लेके वहां से भाग गए और गैंग लीडर पीटर केंटो के घर चले गए। पीटर केंटो अपने बड़े भाई जो केंटो और उसकी बीवी क्रिस्टिना केंटो के साथ रहता था। क्रिस्टिना ने जब इन लोगों को देखा तो उसने राहुल से पूछा कि उसके बदन पर घाव के निशान क्यों हैं और एफ्रेन पेरेज से भी पूछा कि उसके कपड़े पर खून क्यों लगा हुआ है। जवाब में मैडलिन ने बताया कि उन्होंने खूब मज़े किए हैं और आगे कल अखबार में देख लेना। जाते जाते राहुल ने पीटर की भाभी क्रिस्टीन को ये तक बता दिया कि हम लोगों ने 2 लड़कियों का बलात्कार किया है। 28 जून 1993, जेनिफर और एलिजाबेथ को अपने दोस्त की पार्टी से निकलने को 4 दिन हो गए थे। दोनों के परिवार वालों ने पूरे शहर में इनके गुमशुदा होने के पोस्टर्स छपवा दिए थे। 28 जून को जेनिफर के पिता रैंडी अल्टमैन एक रिपोर्टर से अपनी बेटी की गुमशुदगी के बारे में इंटरव्यू दे ही रहे थे जब उस रिपोर्टर को पता चला कि पुलिस को टीसी जेस्टर पार्क में 2 डेड बॉडी मिली हैं। जैसे ही रैंडी अल्टमैन ने ये बात सुनी वो खुद उस पत्रकार की वैन में बैठ गए और टीसी जेस्टर पार्क में पहुंच गए। पार्क में हर जगह पुलिस का घेरा लगा हुआ था और क्राइम सीन को कॉर्डन कर दिया गया था। वैन से निकलते ही जेनिफर के पिता चिल्लाते हुए बाहर आए, क्या उनमें से एक ब्लॉन्ड है? क्या एक के बाल सफ़ेद है? हालांकि पुलिस रैंडी अल्टमैन को अपनी ही बेटी की सड़ी हुई लाश के पास जाने से रोकने में कामयाब हुई पर रैंडी की ये हालत वहां मौजूद सभी का दिल दहला देने वाली थी। पुलिस को मिली दोनों डेड बॉडी इतनी सड़ चुकी थी कि पुलिस को उनकी पहचान करने के लिए डेंटल रिकॉर्ड्स का सहारा लेना पड़ा। दोनों लाश की पहचान के बाद पुलिस ने जो केंटो यानी पीटर केंटो के भाई की टिप के आधार पर सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों पर मुकदमा भी चला और टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस की अदालत ने 6 में से 5 अपराधी पीटर केंटो, होजे मेडेलिन, राहुल विलारियल, एफ्रेन पेरेज और डेरेक ओब्रायन को मौत की सज़ा सुनाई, जबकि वेनेंसियो मेडेलिन, जिसकी उम्र जुर्म के वक्त सिर्फ 14 साल थी और जिसका इन लड़कियों के कत्ल में हाथ नहीं था, उसे 40 साल कैद की सज़ा सुनाई। हालांकि बाद में जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के अपराधियों की मौत की सज़ा को रद्द करता हुआ कानून बनाया तो एफ्रेन परेज और राहुल विलारियल, जिनकी उम्र जुर्म के वक्त 17 साल थी, उनकी सजाए मौत को उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया। सबसे पहले डेरेक ओब्रायन को साल 2006 में, होजे मेडेलिन को साल 2008 में और गैंग लीडर पीटर केंटो को साल 2010 में जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की सज़ा दी गई। टीसी जेस्टर पार्क, जहां इन मासूम लड़कियों के साथ दरिंदगी की गई थी, वहां इन लड़कियों की याद में एक मेमोरियल बनाया गया जो कि कुछ इस तरह दिखता है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एलिजाबेथ और जेनिफर की उनके परिवार के साथ कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यहाँ क्लिक करके आप आयशा अली की मर्डर का ये वीडियो भी देख सकते हैं, जिसे उसकी सगी माँ ने अपने लेस्बियन रिश्ते के झांसे में आकर मार दिया था।